नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जो तरह तरह से घटना को और वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां बदमाश दो वाहनों में आग लगाकर फरार हो गए। फरियादी महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामला इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का है। यहाँ की रहने वाली महिला आयुषी यादव ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि गोविंदा यादव नामक बदमाश उसके घर के बाहर खड़ी एक्टिवा और एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी और वहां से भाग गया। फरियादी महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच की जा रही है। संभवतः यह विवाद पूरे मामले की जांच कर रही है। हाँ, एक वाहन में आग लगाने वाली घटना सामने आई है। ये शिव मंदिर के पास लालबाग लाइन इंदौर का मामला है, जहाँ पर फरियादी ने रिपोर्ट की है कि उसकी घर के बाहर खड़ी एक्टिवा और मोटरसाइकिल में दोनों में वाहनों में आग लगा दी थी। आरोपी का बाहर ही खड़ा था, उसका नामजद FIR है और व्यवस्था की जा रही है। सर, क्यों लगाई थी, कुछ पुराना विवाद है? नहीं, ये अभी तथ्य सामने नहीं आए, जैसे उसकी अरेस्ट हुई तो पता चलेगा। गिरफ्तारी हुई सर? नहीं, अभी नहीं हुई। क्या नाम है इसमें फरियादी का? फरियादी का नाम है आयुषी यादव, आरोपी नाम है गोविंदा यादव। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके लिए।